Hey everyone, welcome back to your channel. Hope you guys are doing absolutely well. तो कैसे हैं आप लोग? I guess सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एक नंबर होंगे. So आज हम वापस से एक नए व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं, मगर ये व्लॉग रहेगा एपिसोड 2 के बारे में. समझ ही गए होंगे टाइटल से, लोकी एपिसोड 2 का हम वापस से ब्रेक डाउन और एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं. तो इस पूरी सीरीज में आपको पहले बता दूँ, स्पॉयलर्स अलर्ट है, बिल्कुल स्पॉयलर्स आने वाले हैं. तो इसके बारे में कोई कहना मत कि भाई स्पॉयलर्स क्यों दे दिए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं रिव्यू कर रहा हूँ और मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ तो स्पॉयलर्स मिलेंगे. बट काफ़ी लोगों को नहीं पता कि स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं, बट ये ऐसे स्पॉयलर्स होंगे जब आप वीडियो देखोगे. अगर आपने अभी तक एपिसोड 2 नहीं देखा तब आपको पता चलेगा ये चीज़ है क्या. वही तो मेन मकसद है हमारा रिव्यू करने का, एक्सप्लेनेशन करने का, कि आपको एक्चुअल में हमारी रिसर्च का फ़ायदा हो कि हाँ भाई हमने एपिसोड 2 में देखा या हम ये चीज़ देखने वाले हैं तो ये चीज़ है क्या. वो है मोटिव. सो इसी के लिए हमने वापस से देखा एपिसोड और अच्छे से डिटेल में देखा कि क्या कुछ हिडन चीज़ थी. क्योंकि यार एक मार्वल सीन में ना आपको हज़ार चीज़ें होंगी जो बहुत होंगी और बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस चक्कर में वीडियो खिंच जाएगी लंबी. इसलिए फटाफट लाते हैं आपके लिए कि हाँ भाई सेकंड एपिसोड में आखिर था क्या क्या. तो चलिए शुरू करते हैं. इस एपिसोड में सबसे पहले अब ध्यान आता है लोकी की तरफ. लोकी को अब लोकी टीवी एजेंट बन चुके हैं. वो सीख रहा था कि भाई क्या चीज़ होती है, टाइम लाइन कीपर्स कौन है, क्या करते हैं टाइम लाइन कीपर्स, तो इस सारा उसके बारे में है. तो उसकी रिसर्च वगैरह चल रही थी टाइम लाइन कीपर्स की, टाइम लाइन के बारे में समझे. सो इस बात से ये तो साफ मैं आपको बता दूँ, टाइम लाइन कीपर्स हैं मतलब जो टाइम लाइन एजेंट्स हैं टीवीए के, वो बेसिकली काफ़ी लोगों को लगता है कि यार वो भी तो टाइम लाइन में फेर बदल करते हैं, जाके टाइम लाइन में पीछे जाते हैं. और वो तो उन्हें ये बता दूँ जो टाइम लाइन प्रोटेक्टर्स हैं वो ये देखते हैं कि टाइम लाइन का फ्लो जो होना चाहिए वही फ्लो हो, इसलिए वो पीछे जाते हैं. बट वो टाइम लाइन का हिस्सा नहीं है, वो टाइम लाइन से बिल्कुल ही अलग है, इसलिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं उस टाइम लाइन में. टाइम लाइन अलग अलग एक मल्टीवर्स कनेक्टेड है जो एक ही फ्लो में जाता है. तो इसमें आपको फ्लो है वो एक ही है, बट मल्टीवर्स भी एक ही फ्लो में बहता है. सो हर मल्टीवर्स में अलग अलग है. सो इससे पता चलता है कि लोकी सिर्फ एक ही नहीं है, अलग अलग टाइम लाइन का अलग अलग लोकी डिफरेंट है. तो इसमें वो बहुत अच्छे से दिखाया गया कि एक जो लोकी है वो फ्रॉस्ट जायंट का रूलर है. ऑब्वियसली बात है वो एक फ्रॉस्ट जायंट है, बट वो एक रूलर है वहाँ का, लाइक ही इज किंग ऑफ फ्रॉस्ट जायंट. तो एक लोकी वो भी है, बट एक लोकी है जो एक टेनिस प्लेयर भी रह चुके हैं, चैंपियन है. और अलग अलग वेरियंट्स दिखाए लोकी के जिनका अलग अलग नाम है. सो लोकी को देख लगता है भाई अलग अलग टाइम लाइन में उसके पास अलग अलग सुपर पावर्स हैं अलग अलग टाइम लाइन के लोकी की, मगर कुछ कॉमन पावर्स के साथ बिल्कुल. सो इस बारे में उन्होंने मल्टीवर्स भी एक बता दिया कि एक मल्टीवर्स जो एग्जिस्ट करता है उसका एक अलग अलग लोकी वेरियंट है. और इस वीडियो में मतलब जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एपिसोड 2 में ही बता दिया कि जो ये वेरियंट जो इविल दिख रहा है जिसके बारे में बताया था कि ये शायद कैंग द कॉन्करर हो सकता है, वो कैंग द कॉन्करर की बजाय वो एक लोकी टाइप का वेरिएंट है. सो उन्हें लग रहा है कि वो ये मल्टीवर्स का ही लोकी है जो आके ऐसी चीजें कर रहा है, इसलिए वो इस लोकी की हेल्प ले रहे हैं. एपिसोड में आपको एक चीज कहता है लोकी की जो टीवी है वो एक प्रोपेगेंडा है. आखिर क्यों? एक्चुअल में टीवीए के जो मेन टाइम प्रोटेक्टर्स हैं, जो तीन आपको बाबा ऐसे दिखते होंगे स्टैचू, सो लोकी के हिसाब से वो उसको लगता है कि क्या ये पूरे यूनिवर्स की सबसे ताकतवर पावर जो है वो यही है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर. सो उसका ये बाबा क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये टीवी है क्या और ये टाइम प्रोटेक्टर्स हैं कौन. सो वो इसके बारे में सवाल उठाता है कि आखिर है कौन, किसी ने देखा इन्हें? तो उसमें एक एस लेयर करके हैं जो कम्युनिकेट करती है टाइम कीपर से. सो वो एक अलग वेरियंट हो सकता है, मतलब कि जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉमिक्स रेंसलेयर जो है आर्सलेयर वो कैंग द कॉन्करर की लव इंटरेस्ट रह चुकी है. तो इसके हिसाब से जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है और मेरी रिसर्च एंड एनालिटिक्स और नॉलेज है, तो एक ये भी फैन थ्योरी है कि हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे हो वहाँ पर तीन स्टैचू होते हैं मगर दो स्टैचू के हाथ में कुछ ना कुछ होता है मगर एक स्टैचू खाली ऐसे खड़ा रहता है. तो हो सकता है कि वो जो टाइम कीपर्स हो वो शायद एक कैंग द कॉन्करर होगा और जो आर्सलेयर है वो उसका लव इंटरेस्ट हो सकते हैं. अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स ऐसा ही हुआ है, मगर ये कोई बात पक्की नहीं है क्योंकि अभी ये मल्टीवर्स की अलग अलग बात है और ये मल्टीवर्स के मतलब बहुत पावरफुल दिख रहे हैं.
सो हो सकता है कि टाइम प्रोटेक्टर्स करके ऐसी भी कोई चीज हो एक्चुअल में। सो लोकी का ये क्वेश्चन उठाना और उसने एक लूप होल और निकाल लिया पूरी टाइमलाइन में कि जो अभी तक किसी ने नहीं इतना सोचा कि अगर कोई एपोकलिप्स आने वाला है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कोई एक प्लैनेट फटने वाला है या कोई इवेंट होने वाला है जहाँ की पॉपुलेशन खत्म होने ही वाली है, तो उसमें कुछ टाइम पहले अगर आप जाके कुछ भी देखोगे, चीजें चेंज करोगे, तो उस टाइमलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो चीज होनी है, मतलब वहां पर जो होना है वो चेंज नहीं हो जाएगा। सो इसी के करके वो पॉम्पी गए थे ताकि वहां पर जाके लोकी ने बताया कि हाँ भाई हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हम फ्यूचर से आए हैं। और उस एक सीन में ये भी कहता है कि हॉर्न्स वाले मेरे दोस्तों भागो, मतलब वो एकदम ऐसे करते हैं कि भाई एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बन सकता है, वो एक क्योस हो सकता है, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा टाइमलाइन पे क्योंकि पॉम्पी को खत्म होना था, वो हुआ, वोल्केनो इरप्ट हुआ और वो खत्म हो गया, तो इससे टाइमलाइन को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो एक ये लूप होल लोकी ने निकाल लिया कि हाँ अगर जहां पर भी एपोकलिप्स होने वाला है और वहां उससे पहले हम कुछ पहले जाते टाइम तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लोकी को जब पता लगा कि वो फाइल सर्च कर रहा था कि उसे बोला कि एक काम कर, तू जाके सर्च कर कि आखिर तेरी थ्योरी क्या है और तो उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च कर, तो उसको एक फाइल मिलती है एसगार्ड डिस्ट्रक्शन की, डिस्ट्रक्शन ऑफ एसगार्ड। तो उसमें उसे पता चलता है कि क्योंकि वो जो लोकी है वो न्यूयॉर्क में जब अवेंजर्स का फर्स्ट टाइम यूनियन हुआ था उस टाइम का लोकी है वो, तो उसको तो ये नहीं पता ना फ्यूचर में क्या हुआ, तो उसको इस बात में थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि एसगार्ड भी खत्म हो गया और वहाँ पर कुछ 9,790 लोग मर गए, सिविलाइजेशन एंड हो गई, मतलब जो बहुत सेफ हो गए उनको छोड़ के, बट पूरी सिविलाइजेशन पूरा प्लेनेट खत्म हो गया, तो इस बात के ऊपर वो थोड़ा सा कहते सेंटी हो जाता है। तो उसको लगता है कि हाँ मतलब ये चीज़, और उसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स उठाए गए हैं कि उसका जो कोड नेम था वो रेवेंजर्स था, जैसे कि सभी को पता है जब रैग्नारोक आई थी तो थॉर ने नेम दिया था रेवेंजर्स, कि हमारी टीम का नाम क्या होगा, तो उसने बोला कि हम एक रिवेंज ले रहे हैं तो हम रिवेंजर्स होंगे। सो ये सीन बहुत अच्छा है, लाइक उन्होंने एक एक चीज का डिटेल में ध्यान रखा है। मूवीज के पास एक कैंडी थी कबूली करके, सो उसमें देखते हैं कि वो 2050 की कैंडी है, मतलब फ्यूचरी कैंडी है जब एपोकलिप्स आने वाला था। तो उस लोकी को लगता है कि भाई जो अगला वेरियंट है उस लोकी टाइप वेरियंट वो शायद फ्यूचर में ही छुप पा होगा, इसलिए उनको एक हिंट मिलता है और वो फ्यूचर में जाते हैं, और फ्यूचर में जाके वो पता भी चल जाता है कि वो लोकी टाइप वेरिएंट है। मगर इसमें इससे पहले जब वो जा रहे थे डिस्कशन करते हैं कि हम जा तो रहे हैं और ये चीज़ होने वाली है, तो बता रहे कि उसके पास जैसे पावर्स लोकी की तरह की ही पावर्स हैं, लाइक इल्यूजन करने की, शेप शिफ्टिंग करने की और डुप्लीकेट इल्यूजन करने की। तो लोकी यहाँ पर क्लैरिफाई करता है कि शेप शिफ्टिंग एक अलग पावर है और डुप्लीकेट इल्यूजन एक अलग पावर है, जैसे कि वो कभी कभार अपना ही एक रूप एक प्लेस कर सकता है किसी को ट्रिक करने के लिए, और वो एक अपने किसी और का रूप ले सकता है, तो वो एक अलग अलग पावर है शेप शिफ्टिंग और डिफरेंट इल्यूजन एक अलग, वो अपना ही एक रूप और रख सकता है किसी के लिए, जैसे कि आपने प्रीवियस मूवीज में देखा होगा। बिल्कुल, सो इस बट वो जो लोकी पावर्स यूज कर रहा है, मतलब जो डिफरेंट वेरिएंट है, वो किसी तरीके का मैजिकल स्पेल यूज कर रहा है जो बॉडी कंट्रोल कर सकता है। वो जब एंड क्रेडिट्स आए तो उसमें बताया गया, जो फाइनली इसमें रिवील हो गया कि हाँ भाई अगला वो कौन है, तो वो लेडी लोकी करके एक करेक्टर आया कि वो लोकी का एक वेरियंट है, जैसे अलग अलग टाइम के वेरियंट है। तो मार्वल कॉमिक्स में भी कहा जाता है कि हाँ लोकी ने एक बार फीमेल शेप भी लिया था, सो हो सकता है ये लेडी लोकी हो दूसरे वेरिएंट की जो आई है, और वो लोकी को पता था कि लोकी उसे भूल लेगा, इसलिए उसने ऐसा हिंट दिया कबूली का। बिल्कुल सही, बट जब इसके एंड में क्रेडिट्स में बताया गया कि जो जिन्होंने एक्ट किया वो सिल्वी का एक्ट किया, तो सिल्वी अकॉर्डिंग टू द कॉमिक्स एक एनचांट्रेस नाम का करेक्टर है जो विलन ही है, ऑब्वियसली बात है, तो एनचांट्रेस भी हो सकती है कि शायद उसका मेन इंट्रो हो। एक थ्योरी ये कहती है कि कुछ पावर्स लोकी ने ही उसे दी थी एनचांट्रेस को, तो वो इसलिए टाइप ऑफ लोकी है, बट उसके हेड पे एक हॉर्न टूटा हुआ है
तो इसलिए वो अपने आप को लोकी कहना प्रेफर नहीं करती। जब लोकी ने कहा था कि लोकी से ही बात कर रहा है वो, तब उससे कहा था कि डोंट कॉल मी विद दिस नेम। सो मतलब कि वो लोकी के नाम से जानना बिल्कुल नहीं चाहती। तो शायद से वो लोकी लेडी लोकी नहीं है, वो एनचांट्रेस है जो लोकी की तरह बिहेव करेगी, पावर्स हैं कुछ लोकी की तरह। एक फैन थ्योरी एक ये भी है। दूसरी फैन थ्योरी, और जहाँ तक मार्वल का इतना मतलब कन्फ्यूजिंग करने का हमेशा से इतिहास रहा है, सो एक फैन थ्योरी ये भी कहते हैं कि हो सकता है लोकी ही अपना एक डिफरेंट इल्यूजन क्रिएट किया हुआ हो, जिसमें उसे पता लगा होगा कि हाँ एक टाइम वेरिएंट नाम की चीज़ है। जब वो ट्रैवल करता है टाइम ट्रैवल में, तो उसको पता लगता है कि हाँ भाई TVA करके एक एरा है, एक अलग दुनिया है, जहाँ पर वो अपना एक इल्यूजन क्रिएट करता है ताकि वो अलग अलग टाइमलाइन में जाए और वहाँ पर हकदड़ करे और दूसरे लोकी को उसी लोकी की को पकड़ने के लिए वो हेल्प करे। एक्चुअल में लोकी एक ही है जो अलग अलग अपना इल्यूजन क्रिएट कर रहा है और कंफ्यूज कर रहा है, और जिसका मोटिव है टाइम कीपर्स तक पहुँचने का। मतलब कि जब उस, क्योंकि इसमें काफ़ी बार ही हुआ है कि लोकी हर बार ही पूछना चाहता है कि भाई टाइम कीपर्स कहाँ है, कौन है, किधर मिलेंगे, वो जानना चाहता है हर बारी। कभी लेडी लोकी बोलती है के लिए C20 बोलती है कि मैंने बता दिया टाइम कीपर्स कहाँ है। लोकी भी यही जानना चाहता है कि टाइम कीपर्स कौन है, क्या है, और काफ़ी बार ही पूछ चुका है कि कभी किसी ने उसे देखा है, कौन है, कैसे हैं। सो इस बारे में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग कहती है कि हो सकता है वो एक ही लोकी हो जो इस TVA के ऊपर रूल करना चाहता है, हमेशा से उसका रूलिंग करने का इरादा है। तो ये थ्योरी ये भी है, क्योंकि उसे पता लगे कि ये पावरफुल है या तो उससे मिलना चाहता है, कुछ तो करके माने। एक थ्योरी ये भी है, और एक थ्योरी ये भी है कि हो सकता है वो एनचांट्रेस ही हो और हो सकता है वो लेडी लोकी हो। पर फिलहाल के लिए अभी वो लेडी लोकी ही बोलेंगे, क्योंकि वो एक लोकी का वेरिएंट है और इसमें लोकी भाग जाता है उसके साथ। तो हो सकता है या तो वो उसके साथ काम करने के लिए भागे, या तो वो एक ही है जो भाग गया टाइम लाइन से आगे करने के लिए, क्योंकि उसने ब्रांचेस तो उथल पुथल कर दिया। और लोकी हमेशा ही चढ़ता है कि टाइम की ऐसी तैसी हो जाए, मतलब सब चीज़ हिल जाए। और शायद ये पैनिक क्रिएट इसलिए भी किया हो कि जब वो टाइम होगा, जब सब टाइम लाइन ठीक करने के लिए भाग रहे होंगे, तब वो टाइम कीपर्स तक जा के पहुँच सकता है और देख सकता है कि वो कौन है। और हो सकता है वो कैंग द कॉन्करर भी हो, या हो सकता है वो ओरिजिनल टाइम कीपर्स हो। बट इस बारे में फैन थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अलग अलग है, गलत होता तो गुस्सा मत करना, बट ये एक फैन थ्योरी है, दैट्स इट। सो इसी के साथ आज का episode 2 डेट ऑन इधर ही ख़त्म करते हैं और episode 3 का वेट करते हैं। episode 3 का रिव्यू हम और जल्दी लेके आएंगे और डिटेल में, बट इस पूरे एपिसोड को देख के ये मत समझ लेना कि तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है। अगर उन्होंने आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देखो, तब तुम्हें समझ भी आएगा कि एक्चुअल में बातें हुई क्या है। खाली मेरे रिव्यू बताने से तुम्हें सब कुछ पता नहीं लग जाएगा। और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना, और फटाफट जाके देखो लोकी episode 2 और मेरा रिव्यू देख लिया तो बताना कैसा लगा और आप क्या रिलेट कर पाए हो, क्या आपकी कोई फैन थ्योरी निकली है। बस इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। एज ऑलवेज बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर, स्टे सेफ एंड जस्ट बी हैप्पी। वो कड़ पर दिल न लगा जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।